दोस्तों बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड के डायरेक्टर ने एक्ट्रेस को दिए महंगे गिफ्ट, अमिताभ इनमें खास है। हम आपको बता दें, बॉलीवुड में डायरेक्टर्स और एक्ट्रेस काफी क्लोज रिलेशनशिप और शेयर करते हैं। वे सेट पर काफी टाइम एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अपनी फीस के अलावा कई बार एक्ट्रेस को डायरेक्टर्स महंगे गिफ्ट भी देते हैं। उनका काम पसंद आता है, ये साधारण नहीं बल्कि लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट दी जाती हैं। इन गर्मी में हम आपको ऐसे ही महंगे गिफ्ट के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले रोहित शेट्टी और अजय देवगन की अगर बात करें, अजय देवगन ने बर्थडे पर रोहित शेट्टी ने उन्हें पर्सनल स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की। ये उस वक्त की बात है जब ऑल द बेस्ट की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में अजय ने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया था जो कार को कस्टमाइज करने का बिजनेस करता है। फिल्म एक्शन रिप्ले प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार 1975 की एक पुरानी वास्तविक क्लासिक घड़ी पहने नजर आए थे। यह घड़ी उन्होंने डायरेक्टर विपुल साने गिफ्ट की थी। इनकी कीमत तकरीबन 18 लाख है। अगला नाम आता है विधु विनोद चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के बारे में अगर बात की जाए। फिल्म एकलव्य पूरा होने के बाद फिल्मकार विधु चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को सिल्वर सेल्स रॉयल्स फैंटम गिफ्ट की। दरअसल यह फिल्म में बिग बी की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हुए थे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। अब बात करते हैं साजिद नटियाडवाला और सलमान खान के बारे में। साजिद ने डायरेक्टर के तौर पर फिल्म किक से डेब्यू किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की। इसके बाद साजिद ने सलमान को टोकन गिफ्ट के रूप में 3 करोड़ की रोल्स रॉयल गिफ्ट की थी।